आप देख सकते हैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ खुद आए हैं। आज ही उठाए? जी सर। अच्छा इतने सारे? अभी सर ये तो आधे ही, अभी तो बहुत सारे हैं। आप देखिए डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ खुद आए हैं। ये एक बड़ी बहुत बड़ी न्यूसेंस बनी है किश्तवाड़ में, जो आवारा जानवर है, गाय बैल वगैरह सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी ये नई एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, पानी का इंतजाम है, बाकी शेल्टर जो है वो बनाया गया है। अब यहाँ पर इनको रखा जाएगा और जो मालिक लेने नहीं आएंगे तो फिर ऑक्शन किया जाएगा बाद में। आप देख सकते हैं इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा लगा, तेल, बाकी एम्प्लॉयज, वक्त, सब चीज। प्लास्टिक खिलवाते हैं इनको और ये दिन भर घूमती रहती है टाउन में और ट्रैफिक में कंजेशन होता है बुरे हाल। परसों तो एक मार भी गई भाई स्कूल में। नए रीजन कंपाइल करो, अभी देखते हैं वो बाकी जो लोग आएंगे वो क्या रीजन थे। किसी का कोई गेट खोल के ले जाएगा, किसी में गाय ही गेट को उखाड़ देगी। तो तुम कहीं घुमाने ले जा रहे हो गए, फिर वो भाग गई होगी कहीं गाय। प्लास्टिक खा के बीमार हो जाएगा। आप देख सकते हो पूरा अमला इन्वॉल्व हुआ, पूरी डिफरेंट डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, ये सारा लोगों को देखने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने जानवरों को जो है वो घरों में रखे और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी जो नहीं रखेगा, और इसी तरह से जो है वो मोबाइल वैन आती रहेगी और उनको जो है वो यहाँ से ले जाएगी सड़कों से उठाकर। और जो आवारा जानवर हैं, हमने देखा कि काल भी बर्फ में, बारिश में किस तरह से जो है वो जानवर हमने लगातार दिखा रहे थे, और म्यूनसिपलिटी ने वार्निंग भी दी थी लोगों को कि जिनके भी ये जानवर हैं वो उनको घरों में रखे, लेकिन फिर भी जो है वो लोग बाज नहीं आते हैं। और आज म्यूनसिपलिटी ने जो है वो एक बड़ी कार्रवाई के तहत जो है वो दर्जनों के जानवर जो है उनको जो है वो एक तरह से जो है वो कहेंगे कि उनको जो है वो सीज़ किया है, और अब उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो प्रॉपर फाइन के तहत जो है उनको रिलीज़ किया जाएगा। और यहाँ पर काउ शेल्टर जो है वो बनाया गया है, आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर इसके लिए इंतजाम वगैरह जो है वो रखे जा रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी देरी लगी इस कार्रवाई में सिर्फ इसलिए कि काउ शेल्टर जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। अब इसको जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है ये, और जो जानवरों को फैसिलिटीज़ देंगे यहाँ पर वो सब जो है वो मौजूद होंगे। आप देख रहे थे यहाँ पर मेडिकल टीम भी जो है, जो डॉक्टर है वेटरनरी के, उनको जो है वो भी जो है वो तैनात रखा गया है। जो जानवर वगैरह है उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी होगा यहाँ पर, अगर किसी जानवर को ज़रूरत होगी तो। गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी मदद करती है लोगों को, काउ शेड्स प्रोवाइड करती है, उसके लिए पैसा देती है, गाय खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए लोन देती है। आप देख सकते हो फिर भी जो है वो लोग इन जानवरों को जो है वो आवारा छोड़ते हैं। हमने देखा था कि बर्फ़बारी के मौसम में भी जो है वो गायें, बैल जो है वो बस स्टैंड एरिया में और सड़कों पर जो है वो आवारा फिर रहे थे। उधर ही थे क्या बताओ? नहीं, इनको तो इधर से उठाया, तो वसर कौन देगा? उसे ये थी इनसे घास खेन घास ना ये मोइन। कितनी बार हमने वार्निंग दी है, मान के आपको पता है ये प्लास्टिक खाते बीमार होते हैं। मुझे पता है तो फिर क्यों खोली थी? कुत्ते भी नोच रहे थे इनको, कुछ अब नहीं मिलेगी।
आपने छोड़ा था, आप अगर आप छोड़ा तो आपको नहीं, आप आपको भी नहीं ना छोड़ेंगे, आपके पास भी नहीं छोड़ेंगे सर, हम उतर ही देते हैं। नहीं नहीं कर इतनी जल्दी, इतनी आसानी से थोड़ी, जितना तंग आपने किया हमें सर, आप होगा जो नेसेसरी फाइन्स हैं वो किए जाएंगे, क्योंकि इतना खर्चा जो है वो सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। कौशल के लिए तो पैसे भी देती है, बाहर ही रखेंगे, पेनल्टी तो लगानी है उसके साथ साथ, ये भी देखना है। ये सारे 12 महीने पूरा हरा रहता है, इससे क्वालिटी बढ़ती है। आप इधर बाहर मेल की, आप बाहर ही रखो इसको, क्योंकि अंदर सारा खा जाएंगे वो, जितना डालना है निकाल लो, जितना सेलेक्टेड निकालना है। आमिर दे निकाल, आगे कहां ले जा रहे हो, टापगढ़ इधर है, आगे कहां ले जा रहे हो, शाह भाई शानदार। ये जो फीड है ये नई लेटेस्ट है, इसमें जो है वो ये साल भर जो है वो हरी रहती है, ये पंजाब से आती है और जानवरों को दी जाती है। और आप देखिए जो ये काउ शेल्टर यहाँ खोला गया है उसके लिए पूरे इंतजाम के, ये नहीं है सिर्फ कि जानवरों को लाकर बाद में यहाँ वो भूखे जो है वो रह जाएं, हर चीज़ का जो है वो। एक गाय के लिए कितना चाहिए, एक गाय के लिए कम से कम 3 किलो एक टाइम। अच्छा, मतलब दिन 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 में के? नहीं नहीं दिन में नहीं, वो होती है गाय की मिल्क कैपेसिटी के हिसाब से होती है, जिस गाय का अगर 10 किलो कैपेसिटी होगी तो 3 किलो मिनिमम एक टाइम चाहिए, एट टाइम पे 3 यानी कि दिन में ना हो, थोड़ी में मिक्स करना है, जो दूध नहीं देते वो उनके लिए करने असल मिक्स करना है थोड़ी में, नहीं ऐसे भी देख सकते हैं। चलो अभी के लिए मिक्सिंग वाला। आप देखिए यहाँ पर जो है वो इनको अब जो फीड वगैरह है वो भी दी जा रही है, और आप देखिए ना टापसी मस्त रही ना ओपन, ये देखिए ये पूरा हरा है। आमिर क्या क्या है इसमें जरा बताओ इसकी खासियत। ये मक्की का होता है साइलेज। अच्छा, ये पूरे 12 महीने हरा रहता है। नहीं ये मक्की की वो जो जो क्रश करके होता है मक्की का, ये नहीं न्यूट्रीमिल कंपनी का, ये नहीं मतलब मक्की की जो घास है वो है, वो है जी की वो की जो कॉर्न मक्की है वो है, वो मिक्स करके मक्की भी मिक्स है, उसका घास मिक्स है, सारा मिक्स है, सारा मिक्स है। आप देखो इसमें कितना मॉइस्चर है, देखो ये हाथ में आपको लग जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गीला है। तो कितनी कास्ट है इसकी, अगर जो पर बैग है आम लोग जो खरीदना चाहे 1100 रुपए पर बैग, 1100 पर बैग ये पूरा बेटा 1100।